तो बहुत है यहाँ पर मगर इस समय। आज 3000 का माल लाए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग प्यारो, नमस्कार आप सभी को, बड़े छोटे भाइयों को। तो अभी हम है सुबह 7:30 बजे घर में और चलते हैं मार्केट की तरफ, अनार उनार खरीदेंगे। अनार का भाव रेट है, घटा है ना बढ़ा है, क्या है नहीं है, तो मार्केट जाने के बाद ही पता चलेगा महाजन के पास। तो दोस्तों अभी हैं हम, चाय को कुछ पिए नहीं, चाय पियेंगे वहाँ मार्केट में जा करके, और उसके बाद आम का भी रेट पता करेंगे क्या है नहीं है, आम का भी भाव अभी पता करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि आम ही बेचना आगे चल के। अभी अनार तो सदा हो गया, कम बिकेगा अभी अनार, साल में 2-3 महीना ऐसे ही रहता, सफ़ेद गुलाबी रहता, उतना लाल होता नहीं है। तो आम का भाव क्या है नहीं वो भी आपको बताएंगे, और अनार तो खरीद पे करेंगे। तो बने रहे वीडियो पे, चलते हैं मार्केट की तरफ, अभी चलते हैं, उसके बाद क्या होता नहीं होता सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे। आम मंडी में पहुँच गए, जो आम जो सामने में रखा हुआ है 20 से 22 रुपया बिका है, और आम का गद्दी में पूरा भीड़ है, देखिए पूरा भीड़ है लगा हुआ। छः, 8, 10 अनार तो बहुत है यहाँ पर, मगर ये सब महंगा माल है लगता है, 1000 रुपया मांग रहा है। ये सब माल लाल है थोड़ा, बहुत ज़्यादा है। वहाँ भी है बड़ा साइज का अनार है सर, और वहाँ सेब भी है, सेब क्या भाव बिकता है पता नहीं। अंगूर भी है यहाँ पर, अंगूर कैसा है, बढ़िया अंगूर है, पैकिंग वाला है, तो चेक करके दही अंगूर। अनार अनार का ढेर लगा मगर ले नहीं पाएंगे, महंगा माल है सब, सब सेब का ढेर लगा हुआ है। ये राणा घाट वाला है, हिमसागर, ये जितना सब आम है पूरा। अरे ये है चिरकुट, अरे यहाँ पर हिमसागर आम बिक रहा है सब, 25-30 टका काटा गया। भीड़ है बहुत, आम खरीदने के ज़्यादातर आदमी भीड़ है। एक तो यहाँ अंगूर देख रहा है, बढ़िया अंगूर। साफ पड़ गया है, आम का आमदनी अच्छा अभी हुआ नहीं, होगा आगे चल 49 का लाख अभी देख रहे हैं माल। बढ़िया माल, छोटा सा ही है तो दागी भी है, चार ठोकर के पूछने माल में, एठो माल सोचने दाम क्या लग रहा, पूछते हैं अनार में दागी है। तो दोस्तों 6 को माल लिए, देखते हैं, ज़्यादा माल नहीं लिए, माल तो है बहुत मगर नहीं लिए ज़्यादा, 6 को माल लिए वाला को कितना टाइम हो गया अभी आया नहीं, तो ये सब निकाल उकाल के रेडी कर दिए, लगा हुआ करके प्लास्टिक भी टांग दिए, अब माल तो आया नहीं अभी तक। भैन वाला जो कहाँ फंसा हुआ जामू में रेलगेट में, फाइनल मेरा दुकान खुल चुका है, देखिए आज का अनार का ये 6 कार्टून अनार लाए हैं, जिसमें 4 कार्टून खोले हैं, 2 कार्टून वहाँ बचा हुआ है, और उसके बाद बेचेंगे। अब आज 3000 का माल लाए हैं, देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है, ये माल लाल वाला काटे हैं, लाल तो उतना है नहीं फिर भी लाल वाला काटे हैं, और दागे निकला है इतने 4 कार्टून में, ये बेचने लायक है एक फेंकने लायक है पूरा। देखिए एक केला रखे हैं, नाश्ता करेंगे केला का, अभी बाज़ार में आदमी तो है नहीं उतना, 10 बजे अभी आज नाश्ता केला का ही हो, तो 10-10:30 होने चला ना, आदमी को कहाँ से नहीं, ज़्यादा माल भी नहीं लाए, 6 कार्टून माल लाए, और ज़्यादा माल ला के स्टॉक कर देना ख़राब हो जाता है, इसलिए कम जितना लाते हैं उतना ही बेचेंगे हर रोज़। 3000 का माल लाए, देखते शाम तक कितना उठता है बेच करके, बने रहे वीडियो। 120 टका बेच लूँ सुबह से, अभी 100 टका वाक दे दूँ, 1 किलो ले लूँ तो 100 टका तो कर दे दूँ। कई किलो? आधा किलो। हाँ ले 50 टका दे आधा किलो। आधा किलो 50, मीडियम ले 4 टा है, जब आधा किलो 36 ग्राम बेसी वाले
वजन। तो फ्रेंड्स 6 कार्टून और सुबह को लेते हैं, अभी इतना बचा हुआ देंगे इसमें, इसमें इतना ही बचा हुआ, 1 कार्टून होगा लगभग, 6 कार्टून बेचे थे को लेते सुबह से। आदमी नहीं, हटिया का दिन है बाजार में, आज पूरा बाजार मंदा है, पता नहीं कहा है, बिक्री बट्टा है नहीं, होता है शनिवार का दिन है, बिक्री बट्टा है नहीं। तो दोस्तों घर आ चुके हैं, अभी शाम का 9:30 बज चुका है, खाना वाना खाए नहीं, सोचे पहले हिसाब कर ले। तो दोस्तों आज 3000 का अनार लाए थे, सुबह 6 कार्टून अनार सुधार में, तो मालिक को पैसा पेट कर दिए, जितना कमाया हुआ है मेरा हाथ में अभी। तो दोस्तों इसको गिनते हैं कितना आज का कमाया हुआ, शनिवार का बाजार था तो उतना आदमी नहीं, फिर भी कमाया हुआ है तो मेरे हाथ में जो कुछ भी है। तो दोस्तों देखिए 5-10 हज़ार रुपया है, 2 टो 500, 1100, 1200, 1300 रुपया हुआ है यहाँ प्रेस, 50 का 1350, 20 का 3 टो 20 टका, 1410 रुपया हुआ टोटल। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 1460 मान के चलिए, 1500 जैसे 10-20 रुपया कुछ खर्चा किए होंगे। तो दोस्तों आज का कमाई यही है, शनिवार का बाजार का मंदा था बाजार, फिर भी 1500 रुपया कमाई हो चुका है फ्रेंड्स, तो मेरे लिए अच्छा बात है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज 1500 रुपया एक दिन में कमाए, बहुत काफ़ी हफ्ता दिन के बाद लगभग, नहीं तो 2-3 दिन में 1500 रुपया होता था कमाई। तो दोस्तों आज माल भी थोड़ा कम रेट में लिए थे ना, 500 रुपया करके 6 कार्टून माल लिए थे, और हर रोज़ खरीदारी होता था 700, 750, 800, तो इसलिए आज थोड़ा ज़्यादा कमाई हुआ है फ्रेंड्स 6 कार्टून अनार में। और ज़्यादा अनार खाए नहीं उठाएँ, सोचिए गर्म का दिन में धागे भी ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स यही था आज का ब्लॉग, शनिवार का ब्लॉग, तो आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा आज का। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, रविवार है कल, और कल अगर दुकान लगाएंगे या नहीं लगाएंगे तो कल का ब्लॉग कल बताएंगे आपको। तो आए आज का ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब कर दें, तब तक ले मिलते हैं, बाय।